स्वागत है दर्शकों आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे पास एक और खबर आ रही है। राहुल गांधी के ट्वीट पर भड़के हैं गृह राज्य मंत्री। पुलवामा हमले में एक साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कुछ सवाल उठाए थे। इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी का यह कहना ही ऐसी घटनाओं को फायदा किसका है फायदा, यह तुलना गलत है सिक्योरिटी फोर्स के बलिदान पर, यह तुलना गलत है सिक्योरिटी फोर्स के बलिदान पर राजनीति करना गलत है। कांग्रेस नेता गलत कह रहे हैं, सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा शहीदों को याद करने के दिन ऐसी टिप्पणी करना यह राहुल गांधी की ओर से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने रामनगरी अयोध्या धाम बनाने के कवायद में एक और बदलाव किया है। यूपी राज्य परिवहन निगम ने अब टिकट में अयोध्या धाम जोड़ते हुए अयोध्या का टिकट अयोध्या धाम से बनाना शुरू कर दिया है। वहीं फैजाबाद बस स्टैंड को बदलकर अयोध्या बस स्टॉप किया गया है। कश्मीर में अब होगा शाह फैसल पर एक्शन। महबूबी मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बाद कश्मीर में अब पूर्व आईएस शाह फैसल पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले शाह फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीयूसी मूवमेंट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले साल 14 अगस्त को धारा 107 के तहत गिरफ्तार किया गया था। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है हमारे साथ।